हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, जो है हमारा नाश्ता खाना पीना हो चुका है और ये चल दिए हैं शामली। तो ये जाएंगे अपने काम पे, हम लगते हैं अपने काम पे, यानी करते हैं अपना घर की साफ सफाई वगैरह जो करनी है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। और जो है आज मेरे भैया आने वाले हैं दोनों, तो वे आए रहे हैं होली का सिंदारा लेकर। सिंदारा लेकर, अरे इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। मेरी दही ने निकी भी नहीं है तो ठीक है। ओके, तो चलिए जी हम भी करते हैं काम। तो सुबह का टाइम है, काम करने का टाइम है। काम ऐसे उल्टा सीधा फैला हुआ है, ये देखो। हम ठहर के करते हैं, ऐसे परेशान करके बाहर निकल जाए। हम कह रहे हैं दूसरे इसे बनाया है हमने। इसके अंदर का जो कवर है ये है, और इसे मैं सिलाई में लगाऊंगी इसमें। और जो गद्दे कटे थे ना, उसका हमने तकिया बनाया। ये देखो कितना सॉफ्ट तकिया है, कितने सारे हैं इसमें, ये बुच्चे से बहुत ही सॉफ्ट है, लेटने में बहुत अच्छा लगा। इस पे आज ऐसे करके सिलाई लगाऊंगे। इसका कवर है दूसरे वाला, उसमें डाल दूंगी। आ जाने वाले है मेरे भाई यार, मेरी बहन भी आ सकती है, वरना मेरे दोनों भाई आ सकते। आज होली का सिंदारा लेकर आएंगे भी। हमारे यहाँ होली का सिंदारा चलता है, सिंदारा बोलते हैं। तो होली पे गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं मायके वाले। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको कि वे क्या क्या कर लेकर आएंगे। वो आज तो उनकी तैयारी हो रही खाने की, खाना वाना बनाने की तैयारी करती हूँ मैं काम करने के बाद। बढ़िया छद्दर या बढ़िया उस वाली तो बढ़िया है। हाँ, उस वाली तो बढ़िया है छद्दर। इधर की जलवायु को भी कितनी बड़ी छद्दर है यार, काफी बड़ी ना। ये दिन में तो भी रखो भी कितनी बड़ी। हाँ, ये है रिफ्लेक्शन वाली छद्दर है। इधर से देखो रेड, इधर से देखो गोल्डन, और जब पास में जाके देखो तो इधर से रेड। साइड खड़ा होगा, उस साइड से देख कितनी बढ़िया देख, बहुत अच्छी लग रही है ना। और इस साइड से देख गोल्डन। और जो दूसरी वाली रेड वाली चद्दर है, वो वाली छोटी लगती है इसमें, लेकिन ये तो काफी बड़ी है। तो ये जी हमारे पति देव तो लग जा बच्चों की तरह। ये बेडशीट जो है हमारी सेट हो चुकी है, और ये अच्छी बेडशीट है दादा, क्योंकि काफी बढ़िया चारों ओर से बहुत अच्छी लग रही है। नीचे काफी सुंदर लग रही है। अब जो है पिलो कवर में डाल देते हैं। तो देखिए जो है हम छोले उबाल लेते हैं, छोले की सब्जी बना रहे हैं। और इसमें जो है चाय पत्ती डाल देते हैं पोटली बनाकर। तो देखिए चाय पत्ती ले ली है 1 चम्मच, तो इसे पोटली बनाकर इसमें डाल देते हैं। ये डाल दिया इसमें, और इसमें डाल देते हैं नमक। तो देखिए अब डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच नमक। तो अब इसे ढक के रख देते हैं उबलने के लिए। देखिए हम बना रहे हैं भटूरे, और भटूरे के लिए लिया हमने 1/2 किलो मैदा। देखिए 1 कटोरा मैदे का है, और
इसमें डाल देते हैं हम सूजी हल्की सी। और हल्का सा डाल देते हैं इसमें नमक। और हल्का सा डाल देते हैं इसमें सोडा। ये देखिए इन सभी चीजों को मिक्स करके ये डाल देंगे इसमें हम। देखिए इसमें हम डाल देते हैं हल्का सा रिफाइंड यानी मोहन टाइप में और इन सभी चीजों को एक जगह मिक्स कर लेंगे हाथों से। और फिर इसमें डाल देंगे हल्का सा गुनगुने पानी से इसे गूंथ लेंगे यानी आटे को बना लेंगे। तो देखिए सभी चीजें मिक्स हो चुकी है। तो इसे हल्के गुनगुना सा पानी लिया है इसे हम अच्छी तरीके से खट्टा गूंथ लेते हैं। देखिए जो अट्टा है इसे हम पन्नी में पैक करके रखते हैं खमीर उठने के लिए 2-2.5 घंटे के लिए इसे रख देते हैं पन्नी में पैक करके अच्छे से। देखिए जो है भटूरों का अट्टा बनाकर मैंने रख दिया था क्योंकि उसे 1-2 घंटे पहले रखना पड़ता है और उसमें जब खमीर उठ जाता है अच्छा यानी कि जब में बनाए जाते हैं भटूरे। तो देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। छोले मैंने पहले ही उबाल लिए थे और यहाँ पे मैं जो है ये प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च इन सभी चीज़ों को काट रही हूँ। कुछ टमाटर में बड़े बड़े काट रही हूँ, कुछ काटने हैं मुझे कटर में को यानी कि जो छोंक के लिए हैं और इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर हरी मिर्च काट ली है और अब काट रही हूँ प्याज। और घर का जो है हमारा सारा काम हो चुका था जो सुबह का काम होता है और दोपहर के बजे थे 11। तो देखिए और मैं और मम्मी दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ काम और ऐसा नहीं है मैंने बिल्कुल ही काम करना बंद कर रखा है, थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ लेकिन मम्मी भी करवाती रहती है मेरे साथ और हम दोनों मिलकर एक साथ काम कर लेते हैं। हमें भी अच्छा लगता है और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फिर मम्मी मम्मी भी नहीं करेगी अकेले। यहाँ पे मैं छोंकने वाली हूँ सब्जी और देखिए मैंने जो है आज उसमें बनाई यानी कि भगोना है जो उसमें बना रही हूँ सब्जी। वैसे कढ़ाई में बनाते हैं कुकर में बनाते हैं लेकिन आज मैंने सोचा कि अलग उसमें बनाया जाए। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और जीरा भुन चुका है उसमें डाल दिया है मैंने लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च जो मैंने बारी बारी काट के रखे थे यानी कि कटर में को निकाल के रखे थे। तो देखिए इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगा फिर डाल दूँगी सूखे मसाले हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर और इन सभी चीज़ों को रख दूँगी। धनिया जो हरा धनिया वगैरह भी डालना है बाद में उसे हम बाद में डालते हैं। तो देखिए ग्रेवी जो है यानी कि लहसुन प्याज जो है बन चुके हैं और अब डाल दूँगी इसमें जो बड़े बड़े टमाटर हरी प्याज और लहसुन काट के रखे थे हरी मिर्च काट के रखे थे। तो देखिए इन सभी चीज़ों को भी मैंने भून लिया है और कितनी अच्छी ग्रेवी बन चुकी है। और वैसे बारीक नहीं काट के डाल लिया मैंने टमाटर लेकिन इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए छोले की सब्जी भी ये समझो कि बन के तैयार हो ही गई है हमारी। और फिर डाल दूंगी मैं इसमें छोले और 2-3 उबाले थे मैंने आलू और आलू का बहुत ही बारीक बारीक पेस्ट बना लिया है। पता भी नहीं लगता कि आलू डाल ले है नहीं डाल ले है, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। देखिए तो मैंने इसमें डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को मैं पकने के लिए रख दूंगी यानी छोले की सब्जी हमारी तैयार है। और फिर बनाने हैं मुझे भटूरे। तो देखिए जो है मेरे भाई आ चुके थे और मैंने उन्हें खाना भी खिला दिया था और जो ये भटूरे बना रही हूँ मैं बहुत ही आसान तरीके से आप भी बना सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारा सामान चाहिए, अपने घर पे भी होता है, मैदा होता है सोडा होता है और रिफाइंड तेल होता है यानी कि और इसमें सूजी वगैरह हल्की सी डाल के बना सकते हो। कोई कोई तो दही वगैरह भी डालते हैं लेकिन मैंने तो ऐसे ही बनाए हैं, मेरे तो बहुत अच्छे बने हैं और देख लीजिए आप सबूत के तौर पर भी देखिए कितने अच्छे भटूरे और कितनी अच्छी तरीके से फूल रही हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे बाजार वाले भटूरे हों। तो पहले मैंने खाना खिला दिया था तो फिर बाद में वीडियो बनाई क्योंकि मेरे भाई यार काफ़ी लेट आए थे, 12 बज चुके थे।
तो सभी को भी खाना खिला दिया था। तो चलिए चलते हैं आगे, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको छोले भटूरे बने हुए कैसे लगे। और जो मेरे भाई आ रहे हैं, मेरी वीडियो में नहीं आते क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म लगती है, तो इसलिए मैं उनसे आपको नहीं मिला पाई जब उन्हें नाश्ता वगैरह कराया, खाना वाना खिलाया। तो चलिए चलते हैं आगे, भटूरे हमारे तैयार है, फिर खाना है मुझे खाना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है भटूरे तैयार हो चुके हैं, और भाई यारों को जो मैंने खाना खिला दिया था पहले ही, और मैंने बाद में बनाए हैं, और मेरे भाई यार आ गए थे बहुत देर पहले। तो देखिए आइए और आप भी खाइए हमारे साथ भटूरे, गर्म गर्म भटूरे। देखिए कितने अच्छे भटूरे बने हैं। तो फ्रेंड्स अभी हुआ है शाम का टाइम, तो देखिए जो मेरे भाई यार थे वे भी आ चुके हैं, और खाना वाले मैंने खिला दिया था। शाम के बजे है 5, तो शाम के टाइम खाना बनाने की तैयारी करते हैं दोबारा से। तो हम अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।